हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। गाइस 5 लाख रुपए तक का लोन केवल और केवल आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आपको आज मिलने वाला है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहां पर एक ऐसी ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी लेकर आया है जहां पर आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके घर में आ गई कोई मेडिकल इमरजेंसी, शादी के लिए आपको पैसे की जरूरत है, अपने बंद पड़े कारोबार को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्कूल फीस कॉलेज फीस देना चाहते हैं, होम रेनोवेशन करना चाहते हैं, पैसे आपके पास नहीं है, तो टेंशन फ्री हो जाइए कि आपका ही आपके लिए जो एप्लीकेशन लेकर आया है यहां पर आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर लाइव प्रूफ के साथ आज इस एप्लीकेशन से लोन लेकर दिखाऊंगा अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप भी लेना चाहते हैं घर बैठे लोन, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं कौन सी फाइनेंस कंपनी है जो आपको दे सकती है घर बैठे लोन। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक तो इस वीडियो को स्किप मत करना, दूसरा आप अपने पास रख लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, पैन कार्ड आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो अकाउंट यूज करते हैं पर्सनल, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो, यहां पर आपको उसी बैंक की स्टेटमेंट देनी होगी। ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने के बाद आपने उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जाएंगे यहां पर उस पेज पर जहां पर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। दरअसल गाइस ये बिल्कुल लेटेस्ट एंड न्यू कंपनी है 2022 की, ये अभी तक प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है लेकिन जल्दी आपको ये प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल फोन के अंदर। जैसे एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल होती है, इंस्टॉल होने के बाद गाइस आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है इंटरफेस आपको एप्लीकेशन का दिखाई देगा कुछ ऐसा जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर वो डालना है जो एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी होगी। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो ओटीपी आपके पास आएगी वो ओटीपी आपको यहां पर डालनी है और ओटीपी डालने के बाद आपने कंफर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे गाइस जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 5 लाख रुपए तक का लोन ये कंपनी दे सकती है, यानी अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, होम रिनोवेशन करना चाहते हैं, किसी का उधार देना चाहती है, इस कंपनी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं केवल 3 स्टेप के अंदर। सबसे पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी, उसके बाद व्यू करना होगा लोन टर्म्स को, उसके बाद अपनी लोन अमाउंट को विड्रॉल करना होगा अपने बैंक अकाउंट के अंदर। कैसे करना सब कुछ आपको यहां पर मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। लोन अप्लाई करने के लिए गाइज आपको सिंपल सा काम करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी। मैं बता दूं गाइस आप यहां पर इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही दें, गलत इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे तो आपका लोन यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर अपना वो नाम डालना है जो पैन कार्ड के अंदर हो, आपके फादर का नाम जो आपके आईडी प्रूफ के अंदर हो, ईमेल आईडी आपको यहां पर डालनी होगी, उसके बाद आपको यहां पर जो है कंप्लीट एड्रेस डालना होगा जो आपके आधार कार्ड के अंदर हो, आधार कार्ड का नंबर डालना है, आपकी कंपनी का नाम क्या है आपको यहां पर वो डालना होगा, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहां पर डालना होगा आपको, यानी जिस जगह पे आपका ऑफिस है, आपका जो बिजनेस है वो एड्रेस यहां पर आपको डालना होगा। इसके बाद गाइस आपको यहां पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल सही होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि इन नंबर पर कॉल करने के बाद वेरिफिकेशन भी आपकी हो सकती है। जब आप यहां पर ये सारी डिटेल सही तरीके से फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहां पर अपनी बैंकिंग डिटेल देनी होगी, बैंकिंग डिटेल आपको यहां पर सही देनी है, नहीं तो फिर आपके पैसे बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, मंथली सैलरी कितनी है वो डालनी है, अपना बैंक चूज करना है, बेनिफिशियरी नाम आपको यहां पर डालना होगा। देखिए बेनिफिशियरी नाम में आपको यहां पर अपना वो नाम डालना होता है जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर होता है, यहां पर आपको जो है अपने नॉमिनी को ऐड नहीं करना होता है, बेनिफिशियरी नाम डालना है, यानी जो नाम आपका बैंक अकाउंट के अंदर है वो डालना है, बैंक अकाउंट का नंबर डालना है 2 बार, आईएफएससी कोड आपको यहां पर डालना होगा और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। ये डिटेल जब आप सही तरीके से फिल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस अब आपको यहां पर केवाईसी वेरिफिकेशन करनी होगी। यहां पर आपको क्या करना है, आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करनी है, उसके बाद पैन कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड करनी है, नीचे आपको यहां पर 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी अपने उस बैंक की जो आप यूज करते हैं, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो, लेकिन आपका पर्सनल अकाउंट वो होना चाहिए। सबसे नीचे आपको यहां पर एक सेल्फी अपलोड करनी होगी अपना पैन कार्ड अपने हाथ में लेकर, उसके बाद गाइस आपको सबमिट करना होगा यहां पर।
जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, सक्सेसफुली आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद गाइज आपको यहां पर इंस्टेंटली लोन के लिए ऑफर मिलेगा। आपको यहां पर कितने लोन के लिए ऑफर मिलता है वो डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर। मुझे यहां पर ऑफर मिला है मैक्सिमम 8000 रुपए के लोन का। मैं 3000 रुपए का लोन ले सकता हूं 7 दिन के लिए, 4000 रुपए का लोन मैं ले सकता हूं 7 दिन के लिए, 5000 का लोन 14 दिन के लिए, और 6000 रुपए का लोन 14 दिन के लिए, 7 का भी 14 दिन के लिए, और लास्ट में 8000 रुपए का लोन भी यहां पर मैं 14 दिन के लिए ले सकता हूं। ये शॉर्ट टर्म लोन है। जब आप किसी कंपनी में लोन अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बड़ा लोन नहीं मिलता है, आपको छोटा लोन ही मिलता है, क्योंकि ये कंपनी केवल आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन देती है, तो स्टार्टिंग में आपको 1-2 लाख का लोन नहीं दे सकती है। तो आपको छोटा लोन लेना होता है, टाइम से रीपेमेंट करना होता है, आने वाले टाइम में आपकी लोन लिमिट इंक्रीज होती जाती है और आपको एक बड़ा लोन मिल जाता है आने वाले टाइम में। तो गाइस मैं यहां पर 8000 रुपए का लोन अभी लेने वाला हूं। सिंपल सा काम आपको यहां पर करना है, केवल विड्रॉ पे क्लिक करना होगा ये लोन लेने के लिए। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है ये पेंडिंग में चली जाएगी। यानी अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है अपनी 8000 रुपए के लोन अमाउंट, और यहाँ पर अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है और बोला है कि भाई 24 से 48 घंटे के अंदर आपके लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगी। 24 से 48 घंटे का मैक्सिमम टाइम है, लोन मिलता है आपको जल्दी। गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर 8000 रुपए का लोन लिया है, अभी ओवरड्यू अमाउंट मेरी यहाँ पर 0 है, ओवरड्यू फाइन भी यहाँ पर 0 है, लेकिन अगर आप टाइम से रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके 140 रुपये पर डे यहाँ पर फीस पेनल्टी लगने वाली है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो रिपेमेंट आप कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करके, पेटीएम, फोनपे, जीपे, भीम UPI से पेमेंट आप यहाँ पर कर पाएंगे जब आप इसका रिपेमेंट करेंगे। रिपेमेंट कैसे करती हैं इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप रिपेमेंट कर सकते हैं अगर आप निधि लोन से लोन अप्लाई करते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो कैसे आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। निधि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड पर आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।